once said, and I quote, that responsibility does not only lie with the leaders of the country or the people who are appointed for a particular job. Rather, it lies with each one of us individually and makes us all the leader. Ladies and gentlemen, the institute where we are today is the world's only Tibetan institute here at Sarnath in Varanasi. And I'm grateful to have amidst us the Vice Chancellor of Central Institute of Higher Tibetan Studies, Professor Wangchuk Dorje Negi. We welcome you, sir. Sir is currently the Vice Chancellor of the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi. He did his Acharya MA in Buddhist Philosophy from the Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, and PhD in Buddhist Philosophy from Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. Sir is a professor of Indian Buddhist Philosophy in the Department of Mool Shastra, Faculty of Hetu Evam Adhyatma Vidya at CIHTS, Sarnath. He is also the Dean of the Faculty and Director of R&D Cell of the Institute and was the Director of Central Institute of Buddhist Studies, Leh Ladakh from 2010 to 2015. His teaching areas involve tenets of the four Indian Buddhist philosophical school, Madhyamaka, Yogacara, Sautrantika, and Vaibhashika, Buddhist Pranam, Buddhist Praman, and Buddhist Ethics. Professor Wangchuk, sir, would be sharing his insights today on Buddha's way of leadership. Over to you, sir. Namo Buddhaya. सर्वप्रथम मैं सनबीन ग्रुप के सभी अधिकारी एवं प्रिय छात्र एवं छात्राओं को केंद्रीय उच्च तृतीय शिक्षा संस्थान सारनाथ के इस अतिशा हॉल में अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। तो यद्यपि मुझे किसी प्रकार का लीडरशिप पर कैसे लीडरशिप किया जाए इस पर बोलने का बहुत कुछ अधिकार नहीं है क्योंकि इससे संबंधित मैं नहीं हूं, लेकिन एक शिक्षक होने के नाते मैंने बुद्धिज़्म को अध्ययन किया है। बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे नेतृत्व किया जा सकता है इस पर शायद मैं दो शब्द अपना विचार आप लोगों के सामने रखूं। तो उससे पहले क्योंकि आप यहाँ सभी छात्र हैं और शिक्षकगण हैं, तो पहले मैं शिक्षा का महत्व, यद्यपि आप सब जानते हैं शिक्षा का क्या महत्व होता है, आप देखते हैं कि दुनिया में जो भी आज विकास हुआ है, लोग आज चंद्रमा पर उतर रहे हैं, अथा सागर में गोता लगा रहे हैं, और हम अपने मुट्ठी में सेलफोन के माध्यम से पूरा दुनिया हम देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, दिनों दिन क्या घटनाएं घट रही है ये सब जो है हम बैठे बैठे साक्षात अनुभव कर रहे हैं। ये सब जो डेवलपमेंट हुआ वो किसने किया? ना कोई देवलोक से ब्रह्मा विष्णु या कोई आकर के इसको नहीं बनाया है, ना ही पाताल लोक से नाग आकर के इसके सृष्टि किया। इसको बनाने वाले हम आप जैसे मनुष्य ने ही बनाया है। इस चीज़ को हमको समझना है, हमारे अंदर वो पोटेंशियल है, यदि हम करने चाहते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। इस चीज़ को हमको जो है ध्यान देना है, अपने पर गर्व, एक ह्यूमन बीइंग होने के नाते, एक जो है छात्र होने के नाते, जिस भी क्षेत्र में हो, साइंस के हों या आर्ट्स के हों या जिस किसी के क्षेत्र के भी हों, अपने को गर्व का अनुभव करना चाहिए। और जो संसार में जो विकास हुआ है उसमें जो है अपना क्या योगदान हो सकता है उसके प्रति आपको जो है सोचना है। तो शिक्षा ही एक ऐसा है जो देश का जो है निर्माण करती है। और अगर संक्षेप में छोटी छोटी बात आपके सामने रखूं, तो आप देख सकते हैं जो राष्ट्र शिक्षित लोगों से भरा होता है
जो समाज शिक्षित लोगों से भरा है, जो घर शिक्षित लोग से भरे हैं, वो जो है सुखी होते हैं, आनंदित होते हैं और समृद्धि से युक्त होते हैं। तो शिक्षा का ये महत्व है। देखिए अशिक्षित लोगों की स्थिति क्या है, शिक्षित लोगों की स्थिति क्या है, इस चीज़ इस अंतर को समझते हुए शिक्षा पर जो है आपको जो है ध्यान देना चाहिए। ये संक्षेप में एक प्रकार से मेरा शिक्षा का महत्व समझाने के लिए जो है दो पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है। और फिर आगे चल करके जब मैं देखता हूँ शिक्षा के अनेक रूप हो सकते हैं। जैसे हमारा प्राचीन शिक्षा हुआ करता था वो जो है प्राय आदर्श और आध्यात्म पर फोकस हुआ करता था। हम लोगों का जो शिक्षा का केंद्र बिंदु होता था आत्मा है, परमात्मा है, स्वर्ग है, नरक है, इन सब चीज़ों पर जो है हम लोग ध्यान केंद्रित करते थे और उस ओर जो हम लोग जो है आकर्षित होते थे। लेकिन आज आधुनिक युग में 200-300 साल से जैसे आधुनिक युग की शुरुआत होती है तो हम लोगों का ध्यान जो है भौतिक बाह है, वस्तुओं पर जो है हम लोग ज़्यादा जो है एम्फसिस करते हैं, देते हैं। लेकिन हमको जो है दोनों पर जो है बैलेंस रखना होगा, क्योंकि बौद्धों की दृष्टि से जब हम व्यक्ति कहते हैं, जब हम पर्सन कहते हैं, वो जो है जैसे आधुनिक डार्विन जैसे मानता है सिर्फ फिजिकल भौतिक मात्र नहीं है, सिर्फ फिजिकल स्टफ्स नहीं है, व्यक्ति जो है जड़ मात्र नहीं है, व्यक्ति जो है चेतना से भी बना है। व्यक्ति जब हम कहते हैं जड़ और चेतन का समन्वय रूप है, उसमें भी बौद्धों की दृष्टि से जो फॉर्म है हम जिसको फिजिकल बॉडी कहते हैं वो एक अंश है, बाकी उसमें आप देखिए वेदना फीलिंग्स है, संज्ञा देखिए परसेप्शन है, माइंड वोलेशंस है, कॉन्शियसनेस है, पंच सकंदों में से चार जो सकंद जो माना जाता है वो चित्त और चेतसिक से संबंधित है। भौतिक से संबंधित मात्र क्या है, ये फिजिकल शरीर है। यदि हम अपना जेन्युइन वास्तविक शांति की कामना करते हैं तो हमको जड़ और चेतन के रिक्वायरमेंट में बैलेंस होना चाहिए। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा हम जेन्युइन वास्तविक शांति की कामना हम नहीं कर सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना होगा। जहाँ भौतिक आवश्यकता की बात है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान के बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। क्या रोटी कपड़ा और मकान मात्र होना क्या है सुख और शांति का कारण है, इस पर जो है हमको गंभीरतापूर्वक अंतर्मुखी हो करके सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जब हम अंतर्मुखी होकर के चिंतन करते हैं तो मैं प्राय कहता हूँ उदाहरण के तौर पर आज आप यहाँ पर 200-250 जो बच्चे हैं या आप सब हैं, सब शारीरिक रूप से आप लोग स्वस्थ हैं, किसी प्रकार का आपको परेशानी नहीं है शरीर रूप से। क्या आप सुखी हैं, क्या आप अपने से संतुष्ट हैं जीवन में, इस चीज़ को देखना है तो आप पाएंगे कि आप संतुष्ट नहीं हैं। क्यों नहीं हैं, तो कौन सा चीज़ है जो आपको संतुष्ट करने में जो है व्यवधान कर रही है। जब इस पर विचार करें तो चित्त है, चित्त ठीक है। चित्त को भी शांत रखने के लिए जिस प्रकार शरीर को बनाए रखने के लिए रोटी कपड़ा मकान मिनरल्स वासा बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक कि योगा एक्सरसाइज ज़रूरी है, इसके बिना आप अपने शरीर को स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त नहीं रख सकते हैं। क्या शरीर स्वस्थ चुस्त तंदुरुस्त होने के उपरांत मन शांत होगा, नहीं। जब तक हमारे मन के अंदर राग द्वेष मोह ईर्ष्या आदि जो विकृतियाँ हैं, जो डिस्ट्रक्टिव इमोशंस है, जब तक वो अंदर घर कर रहेगी तो कभी हम शांत नहीं हो सकते हैं। जैसे बोधिचार्य अवतार में शांति देव जी कहते हैं यदि अपने मकान के कमरे के अंदर कहीं कोपरा सांप हो, क्या आप वहाँ शांत से सो सकते हैं, चैन से रह सकते हैं।
जिस मकान के अंदर, जिस कमरे के अंदर कोपरा बैठा हो, आप निश्चित रूप से चैन की नींद वहाँ नहीं सो सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे अंदर राग की आग जल रही है, द्वेष की आग जल रही है, ईर्ष्या है, जलन है, ये सब हमारे चित्त में होते हुए वो कोपरा शांत की तरह है, हम कैसे सुख में, कैसे शांत हम रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसके लिए भी हमको इस पर विचार करना चाहिए। जिस प्रकार हमें भूख लगती है, हम परेशान होते हैं, तो भूख को मिटाने के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। सर्दी लगती है, सर्दी से बचने के लिए हम वस्त्र आदि का प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि शारीरिक सुख को मिटाने के लिए। क्या उसी प्रकार जब हमारे अंदर द्वेष उत्पन्न हो करके हम परेशान होते हैं, तो क्या प्रयास करते हैं कैसे इस द्वेष से उभरा जाए, कैसे इस द्वेष से निकला जाए? उसी प्रकार जब ईर्ष्या से जलते होते हैं, राग से जलते होते हैं, पीड़ित होते हैं, परेशान होते हैं, उस समय क्या जिस प्रकार भूख और प्यास लगते समय भूख और प्यास को हटाने के लिए हम जो प्रयास करते हैं, वो प्रयास क्या हमारे अंदर जो विकृतियां हैं, जो हमको परेशान कर रही है, उससे मुक्त होने के लिए हम चेष्टा करते हैं कि नहीं करते हैं? इसको जो है हमको अंतर्मुखी होकर के सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। जब तक ये विकृतियां हमारे चित्त के अंदर रहेंगी, तब तक हम वास्तविक सुख शांति की कामना या आशा नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं आप सभी छात्रों से, देखिए आप लोग बहुत सारे इनमें से कोई फ्यूचर में डॉक्टर बनने वाला होगा, कोई इंजीनियर बनने वाला होगा, कोई IAS IPS आदि अधिकारी बनने वाले होंगे, तो आप लोगों के अंदर ये क्या रहनी चाहिए? अच्छी बात है डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनने का उद्देश्य क्या होना चाहिए? गरीबों को, ज़रूरतमंद को रोग से मुक्त, देश को जो है स्वस्थ बनाना आपका उद्देश्य होना चाहिए, ना कि आपका उद्देश्य जो है पैसा अर्न करना होना चाहिए। यदि आप एक डॉक्टर बनते हैं पैसा कमाने के लिए, मैं समझता हूँ उससे बड़ा पाप दूसरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि डॉक्टर को हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। जब हम डॉक्टर को भगवान के रूप में मानते हैं, उसका अगर आप दुरुपयोग करेंगे, पैसा कमाने के लिए आप डॉक्टर बनेंगे, तो उससे बड़ा पाप और उससे बड़ा शैतान और क्या हो सकता है? तो इसलिए अभी से ही जब आप फ्यूचर में डॉक्टर बनेंगे, तो लोगों का कल्याण, ज़रूरतमंदों की सेवा, जीवन दान देने का प्रेरणा लेकर के, ये सोच लेकर के आप लोग डॉक्टर बनने के पथ पर चलेगा। वो इस प्रकार का मोटिवेशन, इस प्रकार का सोच, एक प्रकार से पुण्य का संचय होता है। निश्चित रूप से ये विचार आप रखेंगे, आप डॉक्टर भी बनेंगे, निश्चित रूप से पुण्य का परिणाम है। फिर उसी प्रकार मैं आपको अपना अनुभव बताने चाहता हूँ। एक मेरा भी भांजा है, उसने जो सनबीन से प्लस टू करा था और उसने MBBS करा है, MD भी करा है, तो वो मेरे से बता रहा था कि बहुत दिक्कत है अंकल, ये डॉक्टरी का काम सुबह शाम रात बहुत परेशानी होती है, बहुत कष्ट होता है, मैं तो चाहता हूँ कि कुछ दूसरा। वो तो बता रहा है कि IAS की तैयारी करूँ करके कुछ बता रहा था। मैंने उसको टोका, नहीं, कुदरत ने तुमको प्रतिभा दिया है, डॉक्टर बना है, तो तुमको दिक्कत इसलिए आ रही है, जो पैशन है उसके प्रति, जो तुम्हारा सोच है, जो तुम्हारा भावना है, वो तुम सही नहीं रख पा रहे हो। मैंने उससे कहा, जब पैशन कोई बुड्ढा या बुड्ढी पैशन आता है या आती है, तो तुरंत उस बुड्ढे जो रोगी हुआ, उसको तुरंत अपने माइंड में जो मेरे दादाजी हैं या मेरे दादी जी हैं, ये सोच करके तुम उसका उपचार करो, तो देखो कितना आनंद आएगा, तुम्हारे से क्या वाइब्रेशन निकलेगा, है ना? तो उससे थोड़ा कम आयु का अगर आता है, तो समझो मैं अपने माताजी का ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, या मैं अपने पिताजी का, या उससे भी यंग कोई आता है तो मैं अपने बहन का, या मैं अपने भाई का, है ना? तो ये भाव अगर आए, तो वहाँ थकावट का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इतना तुम जो है संवेदनशील होकर के करोगे, तुम्हारा जीवन धन्य है। और जो पैशन जो है तुम्हारे से उपचार लेकर बाहर जाएगा, 100 बार दुआ प्रार्थना करते हुए निकलेगा, ये होना चाहिए, यही जीवन है।
व्यक्ति का जीवन 70-80 साल का है, अगर इस प्रकार की सोच से काम करेगा वो अमर हो जाता है ना, वो अमर हो जाता है। आप सब जानते हैं ना, महात्मा गांधी जी 2 अक्टूबर 1869 में जन्मे थे, है ना। हम लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के रूप में मानते हैं ना, वो क्यों मानते हैं? 2 अक्टूबर के दिन हज़ारों लोगों का जन्म हुआ होगा, 2 अक्टूबर के दिन हज़ारों लोगों का जन्म हुआ होगा, यहाँ तक हो सकता है हमारे दादाजी का भी जन्म हुआ होगा लेकिन हमको पता नहीं है, हो सकता है हमारे पिताजी का भी जन्म मेरे हमको भी याद नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी जी का जन्मदिन जो है हम याद करते हैं, वो क्यों करते हैं? आज 200 साल 150 साल के बाद भी उनको स्मरण करते हैं, उसका कारण यही है, है ना। महात्मा गांधी जी जो नंगे हैं ना, धोती पहन के, तो जब वो साउथ अफ्रीका से वापस लौटते हैं, वो तो लॉयर थे ना, एडवोकेट थे, सूट बूट में थे, काला कोट पहनने वाले थे, वो जो है भारत में आकर के एक बार भारत दर्शन के लिए गए थे, उड़ीसा बंगाल आदि जगह पर घूमे थे। जब उड़ीसा में जाकर देखा कि लोग जो है नंगे हैं, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उसको देख करके उन्होंने अपना कोट को फेंक दिया कि मैं जब तक लोगों को कपड़ा वस्त्र नहीं मिलेगा तब तक मैं कोट नहीं कपड़ा सूट बूट नहीं पहनूंगा, करके उसको उन्होंने फेंका था। फिर आगे जाकर के जब वो बंगाल में आते हैं, बंगाल में उन्होंने देखा कि लोग जो है बिना जूता का, है ना, कीचड़ में पत्थर पर रेतीली जगह पर पैदल जा रहा है, उसको देख करके उन्होंने सोचा नहीं, जब मेरी जनता इस प्रकार पीड़ित है दुखी है ना, नहीं मैं कैसे बूट पहन सकता हूँ, मैं कैसे जूता पहन सकता हूँ। उस दिन उन्होंने बूट को फेंक दिया और जो है क्या है खड़ाऊं को पहना। इसलिए तो आज हम गांधी जी को याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने देश के लिए किया, देश के लिए महान काम किया, इसलिए जो है वो अमर हुए हैं। तो ये हमारी सोच पर है, ये हमारी सोच पर है। यदि आप पॉजिटिव सोचते हैं तो फिर उसका परिणाम भी है पॉजिटिव में आता है। कभी कभी मैं बच्चों से भी कहता हूँ, हम लोगों का जो ब्रेन है ना, ब्रेन जो है एक प्रकार से वो है कमरे की तरह है, ज्वेल से भरा हुआ, या डिपार्टमेंटल स्टोर समझिए हमारा ये जो ब्रेन है, ठीक है। तो इसको जो है हमको चाबी देना है, खोलना है। चाबी खोलते समय चाबी जो है आप दाएं और घुमा देंगे, क्या होगा, वो खुल जाएगा, लॉक जो खुल जाएगा, और फिर जो मकान में रखा हुआ जो सामने वो आपको उपलब्ध हो जाएगा। वहीं आप उस लॉक को जो है दूसरे और अगर लगा देंगे क्या होगा, वो बंद हो जाएगा, खुलेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे ब्रेन को भी एक प्रकार से चाबी देना है। चाबी क्या देना है? पॉजिटिव चाबी देना है। डॉक्टर बनना है लेकिन गरीबों की सेवा करना है, दुखी आरोग्यों की सेवा करना है। ये पॉजिटिव एटीट्यूड जो है, जिस प्रकार ताला को टर्न इधर करते समय खुल जाए, ऐसा अगर खोल देंगे तो फिर आपके लिए जो है ये दुनिया जो है स्वीकारेगी, खुलेगा नहीं। ऐसा बंद करेंगे डॉक्टर भले ही बन जाएंगे, वो सुख में शांत में नहीं हो सकता। ठीक उसी प्रकार इंजीनियर को भी लीजिए, है ना। एक बार मैं यहाँ गोरखपुर से, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से बच्चे लोग आए हुए थे एक दिन, उनको भी कुछ चार आर्य सत्य पर बात करने का मुझे अवसर मिला था। मैं उस दिन बोल रहा था तो चार आर्य सत्य की बात करते हुए, चार आर्य सत्य में तो यही लिखा है कि डिज़ायर नहीं करना चाहिए, बहुत व्यक्ति को महत्वाकांक्षी नहीं होना चाहिए, उससे दुख पड़ता है, ये सब जो है बौद्ध दर्शन में कही गई बात है। तो वो लड़का उठ करके कहा कि अगर मैं डिज़ायर नहीं करूँ कि इंजीनियर बनूँगा, अगर मेरे अंदर जो क्रिएट वो करें या डिज़ायर करें ऐसा नहीं होगा तो मैं कैसे इंजीनियर बनूंगा। उन्होंने उस बच्चे ने, अच्छा था उसका प्रश्न, सही था उसने ये पूछा। तो मैंने उनसे कहा नहीं, निश्चित रूप से इंजीनियर बनने का ख्वाब होना चाहिए, चाह होनी चाहिए, महत्वाकांक्षा होना चाहिए, लेकिन इंजीनियर बन के मैं जो है दिल्ली में एक मकान बनाऊंगा, बॉम्बे में एक मकान बनाऊंगा, मद्रास में, फिर आगे जाकर के सिंगापुर में भी अपना एक मकान बनाऊंगा, इसलिए मैं इंजीनियर बनने चाहता हूं सोच करके। अगर तुम इंजीनियर बनोगे एक दिन तुम जेल के सलाख में बंद होगे, कहीं कुछ नहीं होगा, भले ही एक दो जगह तुम बिल्डिंग खड़ा भी कर लोगे, तुम्हारी अंतिम स्थिति दुर्दशा वो होगी। यदि तुम इंजीनियर बनते समय, भारत देश गरीब है, ठीक है, इनके लिए बहुत ज़्यादा मकानों की आवश्यकता है, कैसे मैं कम खर्चे पर मैं जो हूँ मकान बना करके गरीबों को दे सकूँ,
और देश का मैं जो हूँ हित कर सकूँ, ये भाव लेकर के तुम इंजीनियर बनोगे तो उस दिन भी यही का गांधी की तरह तुम अमर बनोगे। तो यह है, आप लोगों को फ्यूचर में इस देश का करंदार बनना है, देश आपका है, तो देश के हित में जो है आप लोगों को सोच करके जो है कठिन परिश्रम करना चाहिए। बिना परिश्रम किए कोई फल नहीं मिलता है। ये भी पुनः मैं बोलता हूँ, अपने बच्चों से कहता हूँ, बच्चों से यही कहता हूँ कि हम लोगों का जो ब्रेन है ना, ये एक प्रकार से कंप्यूटर की तरह है। कंप्यूटर में तो खाली है ना, डाटा इनपुट करना पड़ता है, डाटा उसमें लगाना पड़ता है। डाटा लगाओगे तभी वो फंक्शनल होगा, तभी वो काम करेगा। ठीक उसी प्रकार हमारा ब्रेन भी अभी को रहा है, इसमें लगाइए, इनपुट कीजिए, फार्मूला है क्या है, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब डाटा जो है आप अपने मन मस्तिष्क में कलेक्ट कीजिए, डाटा स्टोर कीजिए, तब जाके जो है आपको, तब आप काम कर सकते हैं बृहत रूप से। तो ये सोच, ये सोचते समय कभी कभी फिर आलस्य आता है ना, लेजीनेस आती है बच्चों के अंदर, उसमें आपको अपने को पहचानने का प्रयास करना चाहिए। ये भी मैं अपने छात्रों से कहता हूँ, देखो बच्चों तुम लोग 12 महीना खेलते रहते हो, सुनते नहीं हो, क्लास में भी होमवर्क भी ढंग से नहीं करते हो, लेकिन परीक्षा के निकट एक महीने के जब समय होता है प्रिपरेशन लीव का, रात दिन तुम जुट जाते हो, तो एक महीने के अंदर इतना जान जाते हो कि जो वर्ष भर नहीं जाना था वो एक महीने में तुम कर जाते हो। वो पोटेंशियल हमारे अंदर है ना, वो ब्रेन तो हमारे, उसका हमने यूटिलाइज नहीं किया। अगर साल भर आप ऐसा प्रयास करेंगे, जैसे परीक्षा के दौरान आप अपने को तैयारी करते हैं, ऐसा वर्ष भर अगर आप तैयारी करेंगे तो क्या नहीं हो सकता, बिल्कुल सब कुछ हो सकता है। इस चीज़ को भी आप लोग अपने मन मस्तिष्क में रखिएगा, रख करके जो शिक्षा अर्जन कीजिए, शिक्षा अर्जन करके अपना माता पिता की सेवा करूँगा, अपने गांव की सेवा, अपने जिला की सेवा, अपने राष्ट्र की सेवा करूँगा, ये सोच करके, ये विचार लेकर के अगर आप करेंगे, यही नेतृत्व देगा। नेतृत्व के लिए क्या है, पॉजिटिव एटीट्यूड होना सबसे ज़रूरी है ना, सबको अपनापन, सबको अपना, सबको एक रूप से देखना है, तभी जाके आप कुशल नेतृत्व करने वाले बनेंगे। अगर आप बायस हो जाते हैं वर्ण को लेकर के, जाति को लेकर के, भाई बंधु को लेकर के, अगर आप ऐसा करके भेदभाव करके आप नेतृत्व करने का अगर विचार सोच करेंगे, वो आप सफल नहीं हो सकते हैं, सफल नहीं हो सकते। सबको समभाव होना चाहिए, है ना, हम सब एक हैं, हमारे में कोई अंतर नहीं है, है ना, सभी के पास दो ही तो आँख है, एक ही तो मुख है, दो ही तो हाथ है, दो ही तो पैर है, हम सब पंच महाभूतों से बने हैं। कौन छठा महाभूत से बना है, कौन सातवां महाभूत से बना है, सब हम पंच महाभूत के हैं, सबके अंदर चेतना है, सबके अंदर सुख दुख की वेदना करने का जो है सुख दुख वेदना होती है। तो हम और फिर अंतर और भेदभाव कैसे, अंतर भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको समान रूप से देखने का चेष्टा करना चाहिए, है ना। अगर अगर भेदभाव पूर्वक आप बर्ताव करेंगे कभी आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं, है ना, कोई अंतर नहीं है। तो बड़ी दुख की बात है कि भारतवर्ष में जाति प्रथा, वर्ण व्यवस्था इतना वो गहराई से है कि हमारे देश को जो है जो विकास करने में एक जो बाधक तत्व है वो मैं समझता हूँ जाति प्रथा है, वर्ण व्यवस्था के चलते जो है ये सब चीज़ें समस्याएँ हो। आप युवा हैं, आपको आगे बढ़ना है, समानता के रूप में आगे बढ़ना है, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ आपका जीवन धन्य होगा। इस चीज़ को कभी कभी मैं एक उपमा दे करके समझाता हूँ वर्ण व्यवस्था पर भी। जैसे अगर मेरा हड्डी टूट गया हो, पैर का हड्डी टूटा हो, तो पैर का हड्डी टूटते समय उसका ट्रीटमेंट करते समय ये नहीं देखा जाता ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये शूद्र है या वैश्य है, उसका अलग अलग ट्रीटमेंट नहीं होता, एक ही ट्रीटमेंट होता है, एक ही ट्रीटमेंट होता है, जाति कुछ भी हो, है कि नहीं। तो कहाँ अंतर हुआ, कैसे अंतर हुआ, नहीं ना, इस चीज़ को मन में रखना चाहिए। उसी प्रकार हम ब्लड को देखते हैं, ए ग्रुप बी ग्रुप क्या है, ओ ग्रुप ये वो, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं है, सभी वर्णों में सभी जातियों में ये सब चीज़ों तो एक रूपता से प्राप्त होती है, फिर अंतर क्यों है, है ना। इस चीज़ को
नए युवाओं के अंदर ये सोच मेरे ख्याल से जागृत करना चाहिए। शिक्षा पद्धति में भी हमको जो है इसको जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है इसका शिक्षा देना चाहिए, मैं ऐसा समझता हूँ। अगर ऐसा करेंगे तो हम अपना देश का हित कर रहे हैं। अब यही एक प्रकार से हमारा एक दायित्व है, ऐसा जैसा मैं समझता हूँ। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, यदि आप लोगों का कोई जिज्ञासा है, प्रश्न करने चाहते हैं, तो 5-10 जैसे समय आप लोगों का जैसा जो समय का व्यवस्था होगा उसके अनुरूप मैं तैयार हूँ। यदि आपका कोई जिज्ञासा हो और आपके पास समय हो तो फिर आपने सेशन स्टार्ट किया था, आपने कहा था कि जो आपकी पढ़ाई लिखाई है पुराने ज़माने में ये वेद शास्त्र वगैरह होती थी, अब ये स्कूल की पढ़ाई है, पर जो लेबर वर्क है, मैनुअल वर्क है, डज दैट काउंट इन एजुकेशन? सबसे पहला तो मेरे लिए शिक्षा उसको कहूँगा जो व्यक्ति गलत को गलत जानता है, सही को सही जानता है, उसी को मैं शिक्षक कहूँगा जो गलत को गलत बता सकता है, सही को सही बता सकता है। शिक्षा का एक उद्देश्य ये होना चाहिए, एक। दूसरा, जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो जैसे महात्मा गांधी जी ने भी कहा है, शिक्षा जो है मस्तिष्क का विकास भी होना चाहिए, शिक्षा जो है भावना दिल का भी विकास होना चाहिए, शिक्षा जो है हाथ पैर कलाकृतियों का भी विकास होना चाहिए, वही सम्यक शिक्षा होती है। ठीक है, शिक्षा विवेक है। आप इंजीनियर बन रहे हैं, अच्छा अच्छा वो क्षेत्र में आप काम करें, लेकिन उसके साथ साथ आपके पास भावना होनी चाहिए, भावना इमोशन होना चाहिए, पॉजिटिव इमोशन होना चाहिए, उसका समन्वय होना चाहिए। उसके साथ साथ जो मैनुअल है, आपको कंप्यूटर चलाने आना चाहिए, आपको जो है बहुत कुछ हाथ या कला से संबंधित है, ये तीनों का सर्वांगीण विकास जो है एक प्रकार से शिक्षा के रूप में मैं मानता हूँ। इसलिए तो आधुनिक शिक्षा भी यदि आप सही उपयोग के लिए करते हैं, मैं उसको शिक्षा के क्षेत्र में ही मानूंगा। यदि उसका आप दुरुपयोग करेंगे उसको मैं शिक्षित तो नहीं करूंगा, एक प्रकार से नॉलेज तो है ही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डू यू मीन कि हमें डिज़ायर खुद के लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए करना चाहिए? हाँ, यही यही डिज़ायर जो है बिल्कुल करना चाहिए, है ना। मैं अच्छा बन करके, मैं अच्छा डॉक्टर बनकर माता पिता की सेवा करूँगा, अपना समाज की सेवा करूँगा, ज़रूरतमंदों की सेवा करूँगा, इसलिए मुझे डॉक्टर बनना है, डिज़ायर रखना है। तो अब समाज की सेवा के लिए सोच करके करना है, ठीक। ऐसा ना करके सिर्फ मुझे अच्छा सैलरी मिलेगा, मुझे लोग सम्मान देंगे, ये सोच करके अगर काम करेंगे तो डॉक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन अंतिम हम लोग तो भारतीय परंपरा तो पूर्व जन्म पर जन्म को भी मानती है, तो इसलिए सर मेरा क्वेश्चन है कि अगर एक डॉक्टर बनता है सैलरी के लिए तो वो अच्छा डॉक्टर नहीं है, अगर उसका काम अच्छा है? बिल्कुल बिल्कुल सही। कुछ सीमा तक एक डॉक्टर बन के आन करता है, निश्चित रूप से डॉक्टर खुद कमाने के लिए काम कर रहा है, उसके बावजूद भी वो पेशेंट का इलाज करके उसको जो है निरोग बना रहा है, वो अच्छी बात है, वो तो है, तो अच्छी बात है, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से जो आदमी सिर्फ पैसा के लिए ही सोचेगा तो वो जो है अपने कर्तव्य के साथ बहुत ईमानदारी से साथ करता हुआ नहीं होगा। मैं आपको उदाहरण दे सकता हूँ, एक बार आज से 20-25 साल पहले की बात है, एक हमारे हॉस्टल में छात्रा माइग्रेन से पीड़ित थी, है ना, बीमार थी, तो मैं उसको टेम्पू से लेकर के बनारस में हॉस्पिटल गया था हॉस्पिटल पहुँचा था, तो डॉक्टर साहब उस समय अपने कुर्सी से ऊपर जाने वाले थे कहीं बाहर जाने के लिए, उनका कहीं शादी में अटेंड करना था। तो मैंने कहा कि हम इतने दूर से आए हैं, बेचारी बहुत सीरियस बीमार है, माइग्रेन की कुछ देख ले, हमारे पास समय नहीं है, अभी हमको जो शादी अटेंड करना है, तो ये करके हमको वापस भेज दिया। तो मुझे बहुत दुख हुआ, है कि नहीं, आप शादी अटेंड करने और जो जिसके बल पर
रोगियों के बल पर आपका जीवन यापन हो रहा है, योगियों के चलते, रोगियों के चलते आपको समाज में डॉक्टर के रूप से माना गया है, उसका आप दायित्व नहीं कर रहे हैं। आपको शादी महत्वपूर्ण है, पैशन नहीं है, वो आप अपने कर्तव्य से जस्टिस नहीं कर रहे, मुझे बहुत दुख हुआ। तो ऐसी बात है, ठीक है ना, इसलिए ठीक है डॉक्टर बनना ठीक है, लेकिन थोड़ा भावना अच्छा हो तो और अच्छा है, मेरा कहने का अभिप्राय यह है। सुप्रभात सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि मन और दिमाग में क्या अंतर है? अच्छा, माइंड और दिमाग में तो बहुत कोई अंतर नहीं है। माइंड और दिमाग जो है एक प्रकार से ब्रेन को ही कहते हैं। हाँ, माइंड और मन अगर कहेंगे तो थोड़ा क्या है, दिल और दिमाग दो चीज़ अलग है। दिल भावनाओं का केंद्र है, इमोशन का केंद्र है दिल, है ना। जो माइंड या ब्रेन जो है विवेकशीलता है, तो वो विवेकशील क्या होता है, इंटेलेक्चुअल होता है, अपने लाभ और हानि को देखता है। विवेकशील व्यक्ति जो है, जो तर्क वितर्क के द्वारा ज़्यादा, वो स्वार्थी होता है। जो दिल से काम लेता है, वो भावना से काम लेता है, वो समर्पण की भावना वाला होता है। इसलिए वैश्य वाले लोग कहते हैं ना, पुरुष लोग विवेकशील विस्टम से काम लेते हैं, महिलाएँ जो है क्या है, दिल से काम लेती है, वो लोग तुरंत समर्पित होते हैं, है ना। तो ये दो चीज़ें हैं, दिल और दिमाग तो दो चीज़ है, लेकिन दिमाग और मस्तिष्क एक ही है। थैंक। हेलो सर, सर मन और दिमाग दो चीज़ है। Yeah. मन और, हाँ वैसे दर्शन के क्षेत्र में जाएं तो फिर बहुत भिन्नता है। जैसे सांख्या दर्शन वगैरह तो मन को भी जड़ मानता है, ठीक है ना, प्रकृति का परिणाम मानता है, लेकिन बौद्धों की दृष्टि से मन जो है भौतिक नहीं है। मन जो है क्या है, चैतन्य है, चित है, मन है ना, बुद्धि है, ये सैनानिम है, लेकिन फिर दर्शन के अनुसार अलग अलग हो सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। थैंक यू सर। दिस इज आई एम अ टीचर, ठीक है। मैं अपने बच्चों के साथ ही यहाँ आई हूँ। मेरा जो सवाल है आपसे कि गौतम बुद्धा अपने मेडिटेशन के लिए बहुत फेमस थे, ध्यान मेडिटेशन के लिए। सो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आज के इस दौर में जो इतना कॉम्पिटिटिव है, बच्चे लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, तो अगर आप कुछ इनपुट दे सकते हैं कि हाउ दे कैन काम देयर माइंड थ्रू मेडिटेशन, और मतलब क्या स्कोप है उसका, क्योंकि अगर मैं कहूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर करो या रात को, जो भी टाइम है, बट उनके पास टाइम की ही कमी है बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन एंड सो मेनी एग्जाम्स एंड ऑल। सो व्हाट इज़ योर इनपुट ऑन दैट, कि किस तरह से इस चीज़ को वो अपने लाइफ स्टाइल में इम्बाइब कर सकें, विच इज़ गोइंग टू हेल्प देम इन फ्यूचर। थैंक यू सर। जहाँ तक ध्यान का प्रश्न है, ध्यान के लिए कोई ऐसा मुहूर्त नहीं होता है कि सुबह आप ध्यान लगाएं या शाम को ध्यान लगाएं, या ध्यान किसी भी समय लगा सकते हैं, ध्यान जो है किसी भी समय लगा सकते हैं। अब ध्यान लगाना क्या होता है कि पहला जो है, जब आपके मन में, आपका मन एक प्रकार से उद्वेलित होती है ना, बहुत ज़्यादा आपके अंदर जो है भावनाएं उत्पन्न हो रही है ना, चिंतित हो रहे हैं, हैं तो परेशान हो रहे हैं, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तुरंत श्वास प्रश्वास ना, लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है, या तो आप कह सकते हैं ओम करके एक लंबा सांस लें, एक प्रकार से ये भी क्या है, एनर्जी है, ठीक है, जो आपके अंदर तनाव जो उत्पन्न हुआ है, एक प्रकार से एनर्जी का फॉर्म है, उसको जो है जैसे बैलून से वो सुई लगा के बैलून से हवा निकाल देते हैं, ऐसे कुछ ओम का लंबा 3-4 बार उच्चारण करिए, तो आपका दिल जो है, आपका मन जो है चीज जो है थोड़ा शांत हो जाएगा। श्वास प्रश्वास को आप देखते रहेगा, चलते फिरते जहाँ भी आप जो है इरिटेट होते हैं, तुरंत रुक करके अपने श्वास प्रश्वास पर केंद्रित होंगे, वो जो है शांत होने में आपको सहायक हो सकता है। और फिर वास्तव में आप जो है मेडिटेशन का प्रैक्टिस करने चाहते हैं तो वो तो अच्छी बात है, सुबह का समय जो है निर्धारित हो,
स्थान निर्धारित हो तो एक ही जगह एक ही इन्वायरमेंट अगर करते हैं तो उसमें आपको जो है मास्टरी प्राप्त करने में तो वो सहायक हो सकता है ना। आज के बच्चों को ये समय नहीं है तो और समस्या कभी भी आती है तो तुरंत उस समस्या को पहचान करके अंतर्मुखी होकर करके श्वास प्रश्वास लेकर के शांत होने का अगर आप ऐसा प्रयास करते हैं वो भी एक प्रकार से ध्यान का अंग है ऐसा मैं मानता हूँ। छोड़ेंगे तो उससे भी आपका जो है कंसंट्रेशन जो है बढ़ेगी। या फिर ऐसा आप कर सकते हैं अपने सामने एक डॉट बना दीजिए, जैसे टेबल पर है तो एक डॉट बना दीजिए, डॉट के तरफ आप जो है कंसंट्रेट होइए डॉट को देखते हुए, है ना। डॉट जो है आपका आलंबन होगा और फिर अपना चित्त को आप शांत रखिए। जैसे कि उदाहरण मिलता है ये, जैसे मत वाला ट्रंक एलिफेंट होता है ना, उसको जो है हम क्या करते हैं उसको जो है हम पिलर में बहुत मोटे चेन से बांध देते हैं तो फिर हाथी पटकता नहीं, जा नहीं पाता इधर उधर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हमारे आंग को किसी जैसे पिलर रूपी डॉट पर रख करके संप्रजय माइंडफुलनेस के साथ, माइंडफुलनेस एक प्रकार से हाथी को जो चेन से बांधा है वो माइंडफुलनेस है, उसके साथ जो हाथी रूपी जो चित्त है उसको जो शांत अवस्था में रखने का थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो अगर आप धीरे धीरे ऐसा करते हैं तो कंसंट्रेशन आपको मिलती है। लोग कहते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पर, लेकिन अपने से पूछना चाहिए कि 24 घंटे के अंदर आपने कितना मिनट कितना घंटा कंसंट्रेशन के लिए प्रयास किया। हम लोग प्रयास नहीं करते हैं, हम लोग सिर्फ 5 मिनट का प्रयास करते हैं और सोचते हैं कि कंसंट्रेशन नहीं हो पा रही, ऐसा तो होता नहीं। कंसंट्रेशन में भी हर चीज़ में है, हैं? आपको कंप्यूटर सीखना है तो एक दिन में तो आप सीख नहीं सकते हैं, उसको प्रयास करना पड़ता है, महीने 2 महीने 3 महीने तब जाके उसके आप मास्टर बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार ध्यान के क्षेत्र में भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। अगर समय देंगे तो ये तो हो सकता है, झटके में तो नहीं, जादू का छड़ी वाला तो नहीं, ठीक है ना। सुप्रभात सर, मेरा प्रश्न ये है कि हमें ये उसमें यही मैं कहूँगा, मैं कहता भी हूँ, हम लोगों को शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए माइंड को डोमिनेट नहीं होने देना है। क्या गलती हम करते हैं, शरीर के रिक्वायरमेंट पर भी हमारा ब्रेन हमारा दिमाग काम करने बैठ जाता है, वो परेशानी का जड़ होती है। उदाहरण के लिए मैं 2,500 का चप्पल पहना हूँ अभी, ठीक है। अगर मैं ये सोचूं, अरे तुम संस्थान के कुलपति हो, ये क्या 2,000 का, तुमको तो 10,000 का ब्रांडेड पहनना चाहिए, मैं जो कपड़ा पहना हूँ मुश्किल से 1,000 का होगा, है। अगर मैं ये सोचूं, अरे तुम अधिकारी हो, ये क्या 2,000 का, लोग क्या कहेंगे, हाँ तुमको ये होना चाहिए वो होना, वो क्या है, शरीर के रिक्वायरमेंट पर जो है क्या है माइंड डोमिनेट हो रहा है। माइंड को डोमिनेट नहीं होना, शरीर का रिक्वायरमेंट क्या है, ठंडा नहीं लगना है, पैर में नहीं चुभना है, इतना मात्र इसके लिए ज़रूरी था, इसके लिए एनफ है 2,000 का, क्यों मैं 10,000 का जूता पहनूं, जब मुझे सर्दी से ये 1,500 का कॉटन का वस्त्र हमको बचा रही है तो क्यों मैं 20,000 30,000 40,000 दूँ। इस चीज़ को जो है अपने शारीरिक जो रिक्वायरमेंट है उस पर माइंड को डोमिनेट होने मत दीजिए, उससे संतुष्ट जितना ज़रूरी हो वो देना है, रोटी कपड़ा मकान चाहिए उसके बिना तो आप रह नहीं सकते, जितना ज़रूरत है उसको लीजिए। तो उसके बाद बहुत सारे लोग हैं ज़रूरतमंद जो चाहते हैं, उनकी सेवा कीजिए, है ना, प्रयास कीजिए, आन कीजिए, लेकिन किसके लिए कीजिए, उन लोगों के लिए कीजिए, तब अच्छा है। तो जो भी हो कुल मिला के मैं यही कहने चाहूँगा आप लोगों को, शारीरिक रिक्वायरमेंट पर जो है इस दिमाग को डोमिनेट होने मत दीजिएगा, ठीक है। जितना ज़रूरत है शरीर के लिए, जहाँ 100 रुपये का भोजन बढ़िया है क्यों मैं 5 स्टार में जा कर के 3,000 4,000 दे, क्या ज़रूरत है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है, इस चीज़ को सोचना है। तो ये अगर सोच के अगर काम करेंगे तो
सर के बोलने के बाद बोलने की हिम्मत तो होनी नहीं चाहिए, बट फिर भी थैंक यू सो मच सर। मुझे लगता है बच्चों हम लोगों ने लीडरशिप की बात की थी, नेतृत्व की बात की थी, और हम लोगों ने सेल्फ की बात कही थी। आई थिंक सो आपके पास इससे बड़ा सेल्फ पे रिफ्लेक्शन करने का मौका मिलेगा नहीं टू व्हाट सर सेड। सर थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, एंड सिर्फ समय नहीं दिया, जो हम लोग ने भी सुना, आई एम श्योर टीचर्स यहाँ जितने हैं हम लोगों को भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने क्लासरूम में भी अपनी सोच बदलनी चाहिए कि हम सिर्फ सब्जेक्ट पे ध्यान ना दें बट जो सब्जेक्ट के साथ बाकी चीज़ें हैं उस पर भी ध्यान देना थोड़ी बहुत ज़रूरी हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।